मैहर में श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक हुई संपन्न, प्रदेश अध्यक्ष सलभ भदौरिया रहे उपस्थित। देवी माँ की नगरी कहें या फिर बाबा अलाउद्दीन की नगरी, मर्जी आपकी। कलमकार अपनी समस्याओं को लेकर विचार विमर्श के लिए बैठे इस नगरी में हम बात कर रहे हैं श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय बैठक की। बैठक के दौरान पत्रकारों की समस्याओं को लेकर गंभीर विचार विमर्श किया गया। तय किया गया पत्रकार सुरक्षा कानून सहित तमाम बातों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार से मांग की जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर चौथे स्तंभ की सुनवाई करें। इस दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सलभ भदौरिया ने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की बात कही। स्वार्थी और मूर्ख जो हमारे साथी हैं उनको भ्रमित करके अपना साथ ढूंढ लेते हैं। वही सुविधा मिल सकती है जो कानूनी कायदे की और आप सबकी सहमति से उपलब्ध कराई जा सकती है। मुझे लगता नहीं है कि आप कानून मांगे, तो डॉक्टर लोहिया बोलते थे कि कोई भी मांग अवैध नहीं होती। अवैध फिर बोले अवैध, ये डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत था। हम लोग भी एक मजदूर संगठन है, वाइट कलर मजदूर संगठन है हम, तो हमको भी इन सब बातों की चिंता होनी चाहिए। मैं एक मेरा मनुष्य बैठक में अगली कार्य समिति की बैठक की तिथि और स्थान फिक्स हो जाए, तो मैं सोचा यह था कि मालवा कई वर्षों से ठंडा बैठा है। उज्जैन में तो बरसों पहले एक सम्मेलन हुआ था, उज्जैन संभाग में कई दिनों से नीमच के बाद आज तक मालवा में प्रदेश सम्मेलन नहीं हुआ, चुनाव वाला सम्मेलन नहीं हुआ। रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, खरगोन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये दो संभाग जो उनके किसी भी ज़िले में कोलाय छोड़कर, आगर मालवा को छोड़कर पिछले साल किसी भी ज़िले में काम नहीं हुआ। इधर टीकमगढ़ ज़िले ने जिला सम्मेलन कराया, अन्य किसी ज़िले ने काम नहीं कराया। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मालवा का कोई नेता आकर ये बोले कि प्रदेश कार्य समिति और ये हम करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कोई नहीं कहेगा,